हेलो क्लास दिस इज टाइप सेवन टाइप सेवन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फोर रुपीजर फोर रुपीज एक्स के जगह पर थ्री सेवेंटी वन ए मैन गेन सिक्स परसेंट लूज के जगह पर क्या है यहाँ पर गेन है ओके मैन गेन यहाँ पर लूज या गेन दोनों हो सकता है

वाओ वेरी गुड बैट डायग्राम इज वेरी गुड आपको इसमें मिलते हैं दस मार्क्स का था डायग्राम बनाने का आपको टेन ऑफ टेन आउट ऑफ टेन मिल चलो बहुत भाषण कर लिए इसे अब रब करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं सेलिंग प्राइस जो है बैट का वो कितना है सेलिंग प्राइस जो है बैट का थ्री सेवेंटी है मैन गेन कितना का किया गेन किया सिक्स परसेंट जब हम इस बैट को थ्री सेवेंटी वन रुपीज में सेल किए तो गेन हमारा सिक्स परसेंट हुआ तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस क्या होगा हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस पी परसेंट इंटू एस पी हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस पी परसेंट सिक्स परसेंट इंटू एस पी थ्री सेवेंटी वन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड सिक्स इंटू थ्री सेवेंटी वन ठीक है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू रुपीज थ्री फिफ्टी तो कॉस्ट प्राइस जो है क्या हो गया बैट का बैट का कॉस्ट प्राइस जो है वो थ्री फिफ्टी रुपीज अब हमें इसे सेल कितने में करना है सेल कितने में करना है यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा कि हमारा गेन जो है वो एट परसेंट हो जाए ठीक है दो सिचुएशन कुछ सिचुएशन को मैंने इस साइड लिख दिया जो दिया गया था जो गिवेन है उसको इस साइड कर दिया और जो डिजायर्ड है डिजायर्ड है हमारा गेन एन परसेंट उसको इस साइड लिख दिया और सारे टर्म्स मेरे पास है ही कॉस्ट प्राइस भी है गेन परसेंट भी है और पूछ रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल तो सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं टू हंड्रेड प्लस एट अपॉन हंड्रेड इन टू सीपी क्या है थ्री फिफ्टी वन जीरो एट अपॉन हंड्रेड इन थ्री फिफ्टी वन जीरो सो वन जीरो कैंसिल आउट फाइव टू फाइव सेवन टू फाइव फोर एट थ्री सेवन एट रुपीज हमारा आंसर ये हमारा आंसर हो गया ठीक है क्या क्या मैंने जो गिवेन है उसको इस साइड रख दिया जो डिजायर्ड है उसको इस साइड रख दिया और क्वेश्चन को मैंने आउट कर दिया ओके okay? कुछ भी नहीं अच्छा कॉस्ट प्राइस तो बैट का तो सेम ही रहेगा ना कॉस्ट प्राइस जो का निकला वही कॉस्ट प्राइस हमेशा रहेगा कॉस्ट प्राइस तो चेंज होता नहीं रहेगा अनलेस कि हम उस दूसरा बैट नहीं खरीदे ठीक है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है इसमें क्या है कि ये एक रेडियो दिया हुआ है सपोज करो कि ये रेडियो है हमारा ये रेडियो है इसे सोल्ड आउट किया गया जब इसे हम सेल आउट किया थ्री वन टू जीरो था तो हमें लॉस हुआ फोर परसेंट का इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा इस रेडियो का इस रेडियो का कॉस्ट प्राइस होगा हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एल परसेंट एस पी इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस फोर इंटू एस पी इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन नाइंटी सिक्स इंटू एस पी एस पी क्या है थ्री वन टू टू कितना रहेगा रुपीज आई थिंक दिस वन इज थ्री टू फाइव जीरो ओके यानी कॉस्ट प्राइस क्या है गया रेडियो का कॉस्ट प्राइस इज रुपीज थ्री टू जीरो फाइव थ्री टू फाइव जीरो अब क्या कर वाट विल द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड थ्री डबल फोर फाइव अगर इसको हम जो है थ्री वन टू जीरो पर ना सेल करके थ्री डबल फोर फाइव थ्री डबल फोर फाइव पे इसको सेल आउट करते हैं तो पूछ रहा है हमें कि, कि कितना हमें गेन होगा या लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस अभी इतना है और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा थ्री टू फाइव जीरो है ठीक है तो हम लोग निकाल सकते हैं गेन बराबर एस पी माइनस सीपी दिस इज द केस ऑफ गेन बिकॉज वाई बिकॉज एस पी इज ग्रेटर देन सी पी एस पी का क्वांटिटी देखो और सीपी का क्वांटिटी देखो एसपी इज ग्रेटर वी हैव द केस ऑफ गेन कितना गेन हुआ तो एस पी माइनस सी पी 195 जस्ट कैलकुलेटेड थ्री डबल फोर फाइव थ्री टू फाइव जीरो फाइव नाइन वन क्रॉस वन नाइनटी फाइव इज द गेन हमें कैलकुलेट क्या करना है परसेंट गेन परसेंट गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड गेन इज इक्वल टू वन नाइन्टी फाइव सी पी इज इक्वल टू थ्री टू फाइव जीरो इंटू हंड्रेड ठीक है अभी से कैलकुलेट जब करोगे तो इज इक्वल टू आपको आंसर आ जाएगा सिक्स परसेंट आंसर हम आपका आ जाएगा ठीक है तो हमने किया क्या है इसमें यह सेम जो है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ एक्स परसेंट ए साइकिल वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ टेन गेन या लॉस ये इंटरचेंजेबल वर्ड हो सकता है हैड इट बिन सोल्ड फॉर सिक्सटी मोर इफ he had sold it for rupees y more. he would have gain loss on n percent. then the gain would have been 14 percent. find the cost price of the article. ठीक है type eight की तरह ही क्वेश्चन है. अब इसको बनाते हैं हम लोग. एक जो है साइकिल दिया गया है. एक साइकिल बनाया गया है. oh my god. oh my god what a diagram. wow what a cycle. ठीक है अब कहा क्या गया है ए साइकिल एक साइकिल यही एक साइकिल जो है सेलिंग प्राइस कितना है सोल्ड एट ए गेन ऑफ सेलिंग प्राइस जो है एट ए गेन ऑफ टेन परसेंट ठीक है तो सपोज करते हैं कि कॉस्ट प्राइस अभी हमारा जो है साइकिल का वो रुपीज एक्स है और गेन है दिया हुआ

सिक्सटी फाइव रुपीज ज्यादा में सेल आउट करते इट्स का मतलब क्या जो ये सेलिंग प्राइस आया इस पर अगर हम लोग इसको वन सिक्सटी फाइव ज्यादा में सेल आउट करते इफ का केस है अगर करते तो हमें गेन होता फोर्टीन परसेंट हमारा गेन होता ठीक है तो हम इससे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस पी परसेंट इंटू एस पी दिस इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन गेन फोर्टीन परसेंट तो हंड्रेड प्लस फोर्टीन इंटू एस पी एस दिस इज द एस पी आप लोग नंबर देखकर डरा नहीं करो ओके हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड फोर्टीन बस आपका प्लस माइनस इंटू वन डिवीजन सही हो उसके बाद जो है आप किसी भी कैलकुलेशन को बना सकते हैं मेरा बार बार कहने का मोटो क्यों क्या रहता था कि मैथ इज नथिंग बट दिस इज प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तो आप देख लो बस यही मल्टीप्लिकेशन इसी में आप लोग गलती करते हो और कुछ नहीं गलती है चलो छोड़ो वो सब बातें छोड़ो हमें हाँ, कैलकुलेट करना है हाँ तो सीपी हमारा निकल गया सीपी हमारा इतना निकला कॉस्ट प्राइस क्या निकला किस चीज का कॉस्ट प्राइस निकला साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकला और साइकिल का कॉस्ट प्राइस ही हम एज्यूम कर चुके हैं कि वो एक से भाई साइकिल का एक साइकिल ही है तो कॉस्ट प्राइस भी एक ही होगा ना यानी ये एक और ये कॉस्ट प्राइस दोनों सेम होना चाहिए ठीक है अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा रब करते हैं यहां पर जगह नहीं है हमारे पास इसको मैंने रब किया अब देखो ये कॉस्ट प्राइस मतलब एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड फोर्टीन वन टेन एक्स बाय हंड्रेड प्लस सिक्सटी फाइव जैसे सॉल्व ऑड करते वन हंड्रेड फोर्टीन को इस सेट ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अब क्या एक बार इसको इससे कैलकुलेट करेंगे फिर इसको इससे करेंगे ठीक है तो 100 इंटू वन हंड्रेड टेन एक्स अपन प्लस इंटू हंड्रेड दिस एंड दिस कैंसिल आउट वन हंड्रेड फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन एक्स प्लस सिक्सटी फाइव हंड्रेड ये एक्स को जो है 110X को ले आएंगे, तो माइनस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा तो फोर एक्स फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सिक्स फाइव डबल जीरो अपॉन फोर इज इक्वल टू रूपीज वन सिक्स टू फाइव आंसर अब देखो इसी क्वेश्चन को जो है सेकंड मेथड से बताते हैं मेथड सेकंड नहीं है बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर से उधर होगा कैलकुलेशन बस हल्का सा जो है वो इधर से उधर होगा उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है ये आप इसे अलग तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं आई थिंक बुक में उसी मेथड से दिया गया है जो मैं अभी बताऊंगा लेकिन देखो है क्या सब कुछ नहीं है बस आप क्वेश्चन को समझ जाओ क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको मीनिंग को समझ जाओ फिर आप किसी भी तर तरीके से बना सकते हो उसे ठीक है देखो क्या था एक साइकिल था हमारे पास जल्दी से साइकिल बनाते हैं एक साइकिल था हमारे पास ठीक है इसका जो है कॉस्ट प्राइस है रुपीज एक्स इसे मैंने सेल आउट किया सेल आउट किया कितना गेन टेन परसेंट पे तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया वन हंड्रेड टेन एक्स अपॉन हंड्रेड इन हाँ हाँ ठीक है सेलिंग प्राइस यह हो गया कैसे हुआ भाई आपके पास फॉर्मूला है आप बना लो हंड्रेड अपॉन पी परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू कॉस्ट प्राइस ठीक है कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट ठीक है आ गया हंड्रेड प्लस टेन हंड्रेड टेन हंड्रेड ठीक है यह सेलिंग प्राइस हो गया अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर गेन फोर्टीन परसेंट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा वन हंड्रेड एक्स अपॉन हंड्रेड कॉस्ट प्राइस तो एक्स ही है यहाँ कॉस्ट प्राइस तो एक्सम क्या है एक्स ही है हमारा ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर इस सेलिंग प्राइस में हम पैंसठ और पैंसठ मोर जब अप कर देंगे उसको पैंसठ रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा गेन होगा फोर्टीन इसी गेन से निकाला है सेलिंग प्राइस तो इसका मतलब क्या कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू वन हंड्रेड फोर्टीन एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 65 जो है इस सेलिंग प्राइस में एडअप होगा ना कि इसमें इसमें एडअप नहीं होगा मीनिंग समझ दिया ना आपने क्यों इसमें एडअप होगा जब हम इसमें एडअप करते हैं तब जाकर हमारा जो है गेन होता है 14 का और इसी गेन से हमने सेलिंग प्राइस को निकाला है ठीक है अब इसको हम ले आएंगे इस साइड इज इक्वल टू के इस, इस साइड या फिर कह सकते हैं इसको ले आते हैं इस साइड ठीक है इससे क्या होगा ये प्लस में ही रह जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट टर्म तो जब हम इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इस सेट लाते हैं तो क्या होगा 100 100 65. इसको करेंगे, तो हमारा फोर एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स फाइव जीरो जीरो अपॉन फोर इज इक्वल टू रुपीज वन सिक्स टू फाइव आंसर ओके आपका जो बुक में दिया गया है वो क्या किया किया है उन्होंने इस वाले टर्म को डायरेक्टली दिया है आप आर एस अग्रवाल का बुक देखो और ट्राई करो मैच करने का ये इस तरह से दिया गया है तो आपको समझ नहीं आने लगा होगा कि क्या करें मोर के केस में क्या होता है ना वो कि जिससे ज्यादा है उसको माइनस करके वो मोर क्वांटिटी लिख देते हैं ठीक है देखो ये भी सेम क्वेश्चन है डिफरेंस बस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में यहाँ पर लॉस है तो क्या मेथड अलग थोड़ा ही हो जाएगा मेथड तो सेम ही रहेगा सपोज करो ये हमारा वाच है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो रुपीज एक्स दिया गया है अगर लॉस हमारा फाइव परसेंट होगा तो हम इसका एस पी निकाल सकते हैं एस पी क्या हो जाएगा हंड्रेड अपॉन एल परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी हंड्रेड माइनस एल हंड्रेड माइनस फाइव नाइनटी फाइव अपन हंड्रेड इंटू कॉस्ट प्राइस इज रुपीज एक्स एक्स ये हमारा एस पी वन हो गया सेलिंग प्राइस हो गया फिर क्या करा कि अगर हम इसे 104 104 मोर में बेचे हैं। अगर हम लोग इसको सेलिंग प्राइस जो है जो ऑपटेड है उससे 104 हंड्रेड फोर में ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा गेन होगा वो होगा एट परसेंट का तो इससे इस वाले साइड से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस ठीक है इट मींस हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस प्रॉफिट हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड एट इंटू सेलिंग प्राइस दिस वन अब ये कॉस्ट प्राइस दिस कॉस्ट प्राइस एंड दिस कॉस्ट प्राइस बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच दोनों क्या है कॉस्ट प्राइस वॉच है, कॉस्ट प्राइस वॉच का तो चेंज नहीं होगा ना ठीक है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड एट फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड प्लस हंड्रेड एंड फोर इस वाले को इस साइड ले आते हैं वन हंड्रेड एक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव एक्स बाई हंड्रेड प्लस वन जीरो फोर वन हंड्रेड एट एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव एक्स बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड प्लस वन जीरो फोर इंटू हंड्रेड ये हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा हंड्रेड एट एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव एक्स प्लस वन जीरो फोर डबल ज़ीरो इसको इस साइड ले आते हैं वन हंड्रेड एट एक्स माइनस नाइन फाइव एक्स इज इक्वल टू वन थर्टीन ओके ये जो हमारा निकला एक्स क्या निकला हमारा कॉस्ट प्राइस निकला और हमें ऑप्टेंड क्या करना है सेलिंग प्राइस तो आप एक्स का वैल्यू किसी भी सेलिंग प्राइस में अप करोगे आइदर ऑन दिस और ऑन दिस आपको आंसर आ जाएगा लेकिन आप इस पर नहीं कर सकते क्यों नहीं निकालोगे इस पर क्योंकि ये सेलिंग प्राइस क्या है जब हमें एक सौ रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो एक सौ रुपए ज्यादा में बेचना है उसका सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है हमें सेलिंग प्राइस निकालना और जब हमारा जो है लॉस हो रहा है फाइव परसेंट उस टाइम का ठीक है तो ये क्या आ जाएगा 800 x 800 यहाँ पर पुट अप करो तो सेलिंग प्राइस निकलेगा 9500 100 800 8 टाइम्स 8504 760 रुपीस 760 इज आवर आंसर ठीक है इसमें आपको इस सेलिंग प्राइस में आपको पुट अप नहीं करना है x का वैल्यू देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस क्वेश्चन को मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूं क्या है इसमें कि सपोज करो ये ए है बी है सी है ए ने परचेज किया होगा कुछ कॉस्ट प्राइस था उसका ए ने किसी से परचेज किया होगा यानी जो परचेज करते हैं वही कॉस्ट प्राइस होता हो जाता है तो ए ने सपोज किया कि एक सौ में कोई चीज परचेस किया कुछ प्रॉफिट रखा होगा सभी कोई कुछ प्रॉफिट रखते हैं तो प्रॉफिट कुछ परसेंट रखकर उसने इसे सेल आउट कर दिया बी को ठीक है तो ये जो सेलिंग प्राइस निकालेगा पर्सन है वो बी के लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस वही लिखा हुआ है ना इट मस्ट बी नोटेड हेयर द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलर सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलर इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बायर इसने जब इसको सेल किया तो ये सेलर हो गया ये बायर हो गया सेलर मैंने बेचने वाला बायर मैंने खरीदने वाला और क्या सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द बायर सही बात है इसने सेल किया इसने पे किया और हमने पढ़ा भी था कि जो अमाउंट पे करते हैं वही कॉस्ट प्राइस होता है या जिस अमाउंट से हम लोग परचेस एक्सपेंड किए वही सब कॉस्ट प्राइस हो जाता है ठीक है उसी कॉन्सेप्ट पर यह है कि इसका सेलिंग प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा फिर यह सेल करेगा कुछ प्रॉफिट रखकर तो वो इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा जब यह कुछ अमाउंट पे करेगा तो ओके ठीक है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लासेस में यहां पर रिवाइज किया अब ये सबको हम यहाँ पर से रबॉट करते हैं ये सबको रबॉर्ड किया जाए यहां से फिर हमें कुछ स्पेस हमें मिलेगा फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विनोद कितने पर्सन है विनोद एलेक्स एलेक्स श्वेता विनोद एलेक्स श्वेता तीन पर्सन है विनोद एलेक्स एंड श्वेता विनोद ने सेलोट किया एट ए गेन ट्वेल्व परसेंट पे कॉस्ट प्राइस हम लोग एज्यूम करते हैं कि रुपीज एक्स है वॉच का वॉच का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स ये एज्यूम किया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हंड्रेड अपॉन पी परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू कॉस्ट प्राइस वन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन वन हंड्रेड इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब एक्स अपॉन 100 अब यहां पर क्या कह रहा है कि लॉस हो रहा है श्वेता को नहीं एलेक्स ने लॉस पर सेल आउट किया एलेक्स हैड टू सेल इट टू श्वेता एट ए लॉस लॉस कितना है 5% तो यहां पे अब हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमें है सेलिंग प्राइस क्या होगा 100/100-l% 100, 100, 100 cp 100 फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू सी कितना है वन हंड्रेड ट्वेल्व एक्स अपॉन हंड्रेड 100 फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू वन वन टू एक्स अपॉन हंड्रेड अब क्या है अब हमारा पास जो है ये सेलिंग प्राइस ये इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पेड अमाउंट चेज अमाउंट ठीक है एक्सपेंडेड अमाउंट तो श्वेता ने पे किया श्वेता ने कितना पे किया वन डबल थ्री जीरो श्वेता ने पे किया वन डबल थ्री जीरो श्वेता के लिए यही कॉस्ट प्राइस है यानी यही कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल होगा यह कॉस्ट प्राइस ही श्वेता के लिए है और वो किसके बराबर है वन डबल थ्री जीरो के बराबर है तो दो ये दोनों को इक्वेट करेंगे हम 95 फाइव अपॉन हंड्रेड इन टू वन वन टू एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन डबल थ्री जीरो कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा वन टू फाइव जीरो आंसर ठीक है होप यू हैव इंजॉयड द सेशन थैंक यू क्लास